हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई स्किल्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्म टैग, एंड फॉर्म टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वेबसाइट्स। वेन एवर एनी विजिटर और क्लाइंट्स विजिट योर वेबसाइट, सो ही कैन कॉन्टैक्ट यू आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म, एंड यू विल सी द फॉर्म मोस्टली इन ऑल वेबसाइट्स, सो दैट क्लाइंट और विजिटर्स कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म। आज हम फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे। और फॉर्म देखा होगा आपने, हर एक वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म होता है। अगर कोई भी क्लाइंट और विजिटर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो अपने डेटा फिल करेगा, जैसे कि ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स और जेंडर्स, कंट्री सेलेक्ट करेगा और ये सभी, और अपना मैसेज टाइप करेगा और उसके बाद वो सबमिट कर देगा। तो उसकी जो भी डेटा होगा, जो भी इंक्वायरी होगी, वो आपके पास में आ जाएगी। तो उसके लिए हम फॉर्म यूज करते हैं, और फॉर्म हर एक वेबसाइट के अंदर होगा। 90% तो सभी वेबसाइट के अंदर फॉर्म होता है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट प्रैक्टिकली इन HTML, और हम कैसे HTML के अंदर फॉर्म टैग को यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि ये हमारे सामने एक फॉर्म है, मोस्टली हर एक वेबसाइट के अंदर आपने ऐसा फॉर्म देखा होगा। ऐसे कुछ डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं इसका, बस अभी सिंपली एक बेसिकली जो फॉर्म है वो इसी तरह का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इसके अंदर अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पर आप अपने नाम फिल किया, फिर लास्ट नेम फिल किया आपने, यहाँ पर फिर यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह डाला आपने, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जा करके आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप कुछ अपना टाइप मैसेज करें जो है आप कंपनी को भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह का जो फॉर्म है, इसको हम कैसे करते हैं HTML के अंदर और अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड करते हैं, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी कंटेंट इन अवर बॉडी सेक्शन, सो लेट्स क्रिएट फॉर्म हियर। सो फॉर डैट वी हैव टू ओपन ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट ओपन किया हमने, और यहाँ पर टाइप किया फॉर्म और क्लोज किया इसको। अब हम इसके अंदर फॉर्म टैग के अंदर अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला इनपुट लेंगे हम, जैसे कि लेबल टाइप किया मैंने, लेबल और क्लोज किया, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, और मैं कंट्रोल से सेव किया, अभी दिखाता हूँ कैसा नज़र आता है। ये देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, पर इसके सामने अभी कहाँ पर बंदा लिखेगा वो हमने नहीं बनाया। हमको यहाँ पर एक एलिमेंट डालना पड़ेगा, स्पेस डालना पड़ेगा जहाँ पर बंदा अपना नाम टाइप करेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनपुट, इसका टाइप टेक्स्ट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट टाइप होगा ना कि नंबर। और इसको क्लोज कर देते हैं। अभी कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा इसके सामने ये नाम टाइप करने की जगह बन गई है। अब ऐसे हमें दो तीन और बनाने पड़ेंगे, ईमेल के लिए और सेकंड नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए। कंट्रोल इसको सी कर लेते हैं कंट्रोल कॉपी से, और इसको पेस्ट कर देते हैं दो तीन बार। मैंने दो बार पेस्ट कर दिया इसको, तीन एलिमेंट हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल, ये ईमेल के लिए हो गया, और टाइप सबका टेक्स्ट हो गया क्योंकि सबके अंदर टेक्स्ट ही टाइप होगा। कंट्रोल से सेव किया मैंने और ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा तीनों एलिमेंट हमारे पास आ चुके, फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पर, सेकंड के लिए यहाँ पर, और ईमेल के लिए यहाँ पर। अब एक चीज़ जोड़ लेते हैं हम सेलेक्ट करने के लिए कि मेल है या फीमेल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेबल टाइप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जेंडर। अब इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, इसके सामने इनपुट, और इनपुट का टाइप जो होगा वो होगा रेडियो। रेडियो क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और रेडियो जब हमने टाइप किया उसके अंदर क्लोज किया इसको, अब लिखते हैं लेबल और इसके अंदर लिखते हैं मेल। कंट्रोल से सेव किया मैंने। अब एक फीमेल के लिए भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पर लिखते हैं इसको लिखते हैं इनपुट टाइप, इसका भी रेडियो ही होगा क्योंकि सेलेक्ट करेंगे इसको भी, और लेबल पे लिखेंगे फीमेल, और कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये फीमेल के लिए। रेडियो जो होता है, रेडियो ये वाला होता है, ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम, ये देखो अभी दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि अभी हमने उनका नाम नहीं सेम किया। तो ये जो सिलेक्शन है ना, सिर्फ क्या तो ये सेलेक्ट हो या फिर या ये हो, इसको बोलते हैं रेडियो। अगर मैं इसका टाइप टेक्स्ट दे देता तो यहाँ पर ऐसा बन जाता ये वाला, ये सामने स्पेस आ जाता नाम लिखने के लिए, मेल के सामने ये इतना बड़ा ये बन जाता। पर हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है ना कि टाइप करना है कुछ, तो उसके लिए हम रेडियो यूज़ करते हैं। रेडियो जब आप टाइप करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। तो अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पर क्लिक करें तभी
एक ही क्लिक हो ना कि दो, यहाँ पर क्लिक करें तो ये अनक्लिक हो जाए, यहाँ पर क्लिक करें तो ये अनक्लिक हो जाए, दोनों मस्ट सेलेक्ट होंगे क्योंकि बंदा एक ही चीज़ होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी, तो जो कि एक ही सेलेक्ट हो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का टाइप नेम एक कर देंगे, जैसे कि इनपुट टाइप रेडियो, इसका जो है नेम इज इक्वल टू, इसका नाम कर देते हैं जेंडर, और इसका भी ऐसे कर देते हैं रेडियो में जा करके नेम जेंडर, दोनों का नाम मैंने एक कर दिया। ओके, इनको एक आईडी भी दे देते हैं, जैसे कि आईडी मैंने दिया इसको इज इक्वल टू आईडी मेल, और इसको भी आईडी दे दी मैंने एक फीमेल। अब ये जो नेम है दोनों का सेम हो गया है, इसका भी नेम दे दिया मैंने, इसका क्या इसका नाम क्या है कि जेंडर है, और इसका भी क्या है ये भी जेंडर है, तो दोनों का जब मैच हो जाएगा तो वो एक ही सेलेक्ट होगा। अब तो जब मैंने कंट्रोलर से सेव किया और ब्राउज़र में गए तो देखिएगा, ये मैंने सेट किया, ये किया, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेम, दोनों का नाम सेम मैच हो रहा है तो वो एक ही सेलेक्ट कर रहा है, ये देखिएगा। अभी एक एलिमेंट तोड़ लेते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कंट्री सेलेक्ट करनी है, मान लो इसके नीचे एक और देते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट, लेबल कर देते हैं लेबल फर्स्ट लेबल, और यहाँ पर टाइप करते हैं सेलेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आएंगे, एक एलिमेंट खोलेंगे सेलेक्ट, क्लोज करेंगे सेलेक्ट को, और इसको मैं इसके सामने थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन देंगे, सॉरी ऑप्शन, क्लोज किया मैंने ऑप्शन को। अब यहां पर हम देंगे ऑप्शन के अंदर, सो मैंने ये ऑप्शन ऑप्शन टाइप किया, इसके अंदर हम दे देते हैं कंट्री इंडिया, और मैं इसी को दो तीन बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया, वी वी, इसके अंदर लिख देते हैं हम यूएसए, यहाँ पर लिख देते हैं हम दुबई, यूएई करें, तो कंट्रोल से सेव किया मैंने। अभी मैं ब्राउजर में गया तो ये देखिएगा यहाँ पर ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ये सेलेक्ट का। अभी ये क्या है कि ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं, हमको इनको एक के बाद ऐसे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बी आर टैग यूज़ करेंगे। मैंने बी आर आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं पता तो आप मेरी पीछे वीडियो देख ली। बी आर से क्या होता है कि ये लाइन ब्रेक कर जाएगी दूसरे में आएगी, तो यहाँ मैं दो बार टाइप कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके हर लाइन के आखिर में दो बार पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी, और जी यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी, और यहाँ पर। कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा एक के नीचे एक आ गए। अभी हमको इसको सेंटर में करना है, थोड़ा सा सारा जो हमारा फॉर्म है इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फॉर्म के अंदर, इसके अंदर पहले हम एक्शन लगाएंगे, और एक्शन को खाली छोड़ देते हैं, और मेथड भी कर देते हैं पोस्ट, पोस्ट क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए बस आप ये समझिएगा एक्शन। एक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर वो चीज़ देंगे हम जब आपका सबमिट करने पर डेटा कहाँ पर जाए, ये बाद की बात है, जब हम सीख जाएंगे तब हम इसके इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हम इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज़ जोड़ लेते हैं टेक्स्ट एरिया, और उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया के लिए लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जहाँ पर बंदा टाइप करेगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ गया, यहाँ पर बंदा टाइप करेगा। अभी इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर बी आर और बी आर, दो बार ब्रेक किया मैंने और थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ये देखेंगे नीचे आ गया। अभी टेक्स्ट एरिया जो है इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी 200 पिक्सल कर देते हैं, ये भी काम नहीं करेगी, इसके ऊपर नहीं काम करेगी, बाद में इसको करेंगे जब इसके अंदर सी सी एस करेंगे।
तो ऐसे यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने, और जो टेक्स्ट एरिया, अब इसके नीचे हम बटन टाइप बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इनपुट टाइप बटन, और जो इसकी वैल्यू है वो है सबमिट। ये मैंने एक बटन बना दिया, वैल्यू सबमिट, यानी कि हम इसको सबमिट करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्म रेडी हो गया बेसिक, और इसको ब्राउजर में देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आ चुका है, इसको ब्रेक दे देते हैं, ये भी नीचे आ जाएगा। बी आर कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, बी दो बार कंट्रोल एस। तो ये देखिएगा इसको नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने गलत बी आर दिया। यहाँ से कट करने के लिए कट किया, और यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे लाना है। यहाँ पर टाइप करेंगे हम बी आर, और दो बार बी आर। ये कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउजर में गए तो ये देखिएगा नीचे आ चुका है ये। अभी हम इसको सेंटर में करना है फॉर्म को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म में आएंगे और इसको कर देंगे एलाइज इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, अलाइंज कर दिया। अलाइंज मैंने आपको लास्ट वीडियोज में पढ़ाया था, अलाइंज करने के लिए सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसको मैंने सेंटर कर दिया, तो ये देखिएगा सेंटर में हो चुका है। अब यहाँ आप कुछ भी नाम फिल कर सकते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर ईमेल, ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप, फीमेल या ईमेल, और इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। मैंने दो बार इसके अंदर बी आर लगा चुका हूँ मैं, यहाँ से ये वाला बी आर हटा देते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, तो ये देखिए एक ही लाइन में आ गए जनरल। इनमें से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्री, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप सेलेक्ट कंट्रीज। मैं इसके अंदर सेलेक्ट कंट्रीज लिख देता हूँ, सेलेक्ट कंट्री। कंट्रोल एस सेव किया मैंने, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेलेक्ट कंट्री। आप यहाँ पर कंट्री से यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं मैसेज, और ये सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक फॉर्म बनाना आ चुका होगा। और जी इसको अगर आपको डिज़ाइन करना है बहुत अच्छे से, इसके लिए आगे वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये वाले एलिमेंट, ये वाले कैसे टाइप करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म ओपन किया, उसके अंदर एक्शन दिया, एक्शन खाली छोड़ दिया, मेथड भी पोस्ट कर दिया और क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने लेबल लिया, लेबल होता है कि उसी के लेबल में चलेगा, यानी कि उसी के लाइन में चलेगा। फर्स्ट नेम इनपुट उसका है टेक्स्ट, ये मैंने कर दिया। लेबल लिया, फिर लास्ट नेम लिया, लेबल के इनपुट दिया, और ये कर दिया। तो ऐसे करके आप सब कुछ ये डिज़ाइन कर सकते हैं इस वाले टैग से। सो आई होप आपको ये फॉर्म बनाना आ गया होगा, और मॉडर्न फॉर्म भी बनाएंगे हम आगे ने आने वाली वीडियोस में। तो अगले वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हर रोज़ ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माई स्किल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।